देख रहे हैं पीएनआई न्यूज। निवेदन करने का फैसला पार्टी ने किया है कि हमने 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत के लिए कौन सा काम किया है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के कारण से एक नए भारत का उदय हो रहा है। जो भारत राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास को एक नई गति देकर नए भारत का उदय है। सर, विकास की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि विकास हो ही नहीं रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से हजारों परियोजनाओं का शिलान्यास करने का विकास के नाम पर, इसको किस नजर से क्या कहेंगे सर? राजनीतिक दल में भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। मैं इस बात के लिए कह सकता हूँ कि विपक्ष जो आरोप लगाते हैं, अगर वो आरोप सही होते और उस आरोप के सही होने का पूरा मापदंड अगर मापा जाता तो पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने उसका फैसला सुना दिया है कि जो आरोप लगाते हैं आरोप में। सांसद जी, कल विरोधी दल के नेता जो लाल बिहारी यादव आए, उन्होंने कहा है कि कोरोना के दौरान जो है छात्रों को जो फर्जी सर्टिफिकेट इस सरकार में दिया गया है। वैसे लोगों के बातचीत के बारे में मुझसे उत्तर चाहते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा, उनको सुरक्षा समझी दे। गौशाला को कसाई बाड़ा बनाने की बात जो बातें हैं, इसके पहले तो गौशाला का कॉन्सेप्ट प्रदेश में था नहीं, और वो किस आधार पर कहते हैं, तो फिर मैं यही कहूँगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे गंगा के पवित्रता के लिए, और गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती करने के लिए बजट दिए गए हैं, और सरकार का कामकाज का अगर पैमाना नापा जाता है तो उसकी योजनाओं पर हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा के हमें सब्सक्राइब करें।